कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे, सवाल थे। ये देखिए, एक स्टूडेंट है, इन्होंने पूछा कि सर लेटेस्ट अपडेट से कब तक उम्मीद है। ये एक स्टूडेंट और है, ये भी जानना चाह रहे हैं आर ओ आर ओ के बारे में, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये भी एक स्टूडेंट है, इनके भी सवाल हैं इसी संबंधित। एक स्टूडेंट और है जो ग्रुप डी के बारे में जानना चाह रहे हैं। एक और स्टूडेंट है, ये देखिए चार पाँच स्टूडेंट के और कमेंट्स हैं, और भी ये देखिए दो स्टूडेंट के कमेंट्स हैं, और भी देखिए ये दो स्टूडेंट के कमेंट्स हैं। अगर इसका देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली 25-26 क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के पर डे कि सर आप कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जॉब से संबंधित। आपको पहले ही मैंने बताया है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के साथ। देखिए, गिव एंड टेक वाला एकदम मैं इस पर बिलीव करता हूँ। जितना आप मोटिवेट करोगे मुझे, जितना आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, जितना आप शेयर करोगे मेरे चैनल्स को, उतना ज़्यादा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। आपको मटेरियल दिया जाता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। वीडियो मैं आपको देता हूँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। इन्फॉर्मेशन सभी आपको मुफ्त में मिलती है, इतना आसानी से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसमें समय लगता है, ठीक है? कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने हमको 26 घंटे 27 घंटे एक्स्ट्रा समय दिया हुआ है। मेरे पास भी उतना समय जितना आपके पास समय है। तो अगर मैं आपको अपना समय दे रहा हूँ, कीमती टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, गिव एंड टेक वाली बात है, ठीक है? मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियोस ऐसे ही बहुत कम आएंगे, और फिर बाद में यूट्यूब को मैं पैशन के तौर पर यूज़ करता हूँ, और जब बाद में मोटिवेशन नहीं रहेगा तो मैं भी बाकी सारे चैनल्स की तरह पेड कोर्स शुरू कर लूँगा, और चार पाँच टीचर हायर करके फिर पेड कोर्स ही आएगा, तो मुफ्त वाली चीज़ें मैं बंद कर दूँगा, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। तो यदि आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग देख लेते हो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये देखिए, 20-22 दिन पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, 3 वीक्स अगो, 16 मई का ये वीडियो है, 23 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को, जिसमें मैंने आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि 4 जून के बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा समर वेकेशन के बाद, कोरोना की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोरोना की स्थिति आपकी सामान्य रहती है तो आपकी वैकेंसी जून लास्ट में आ जाएगी, अदरवाइज जुलाई में आएगी। मैंने मई में सिर्फ आपको एक वीडियो ही प्रोवाइड किया था, क्योंकि आपको पता है कि मई में समर वेकेशन चल रहा था। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले 40-50 वीडियोस डाले हैं जिसका कोई मतलब नहीं था, सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हाईकोर्ट बंद चल रहा है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वहाँ से अपडेट कैसे मिलेगी? एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 4 जून तक समर वेकेशन था, लेकिन एक्चुअल में हाईकोर्ट खुला है 7 जून से। लेकिन जो ये वाला हफ्ता है इसमें बेंच बहुत कम बैठ रही है, सिटिंग बहुत कम है, 16-17 बेंच ही बैठ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जिससे मुझे अपडेट मिलती है, ठीक है? एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, ये वाला हफ्ता चला जाएगा तो 4-5 दिन बाद, मतलब 13 जून के बाद मैं आपको जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे पाऊँगा, जो फैक्ट बात है, ठीक है? एक बात आपको और बता रहा हूँ, जो भी आपको डेट का दावा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आपको सबसे पहले मैंने ही 25 दिन पहले बताया था कि आपकी वैकेंसी समर वेकेशन के बाद जून लास्ट, अदरवाइज जुलाई में ही आएगी। उसी को सब लोग कॉपी पेस्ट करके घुमा फिरा के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है? देखिए, पता किसी को कुछ नहीं है। इलाहाबाद का मैं रहने वाला हूँ, आपको ऑलरेडी बताया है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि प्रिवलेंट एजुकेशन बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो बेहतर है कि आप मेरे यूट्यूब को देखना ही बंद कर दो, ठीक है? मैं तो एज सिंपल एज मैं तो बिल्कुल फैक्ट और क्लियर किया हुआ हूँ आपको कि आपको जो भी चैनल पसंद हो आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करो, उसको फॉलो करो, आप मत देखो, ठीक है? मेरे वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं जो सीरियस रहते हैं। एक बात आपको और बता रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट और पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो देखिए, जब भी आपका फॉर्म आएगा, जब भी आपकी वैकेंसी आएगी, 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट और पूछ रहे थे कि सर ये बताइए टाइपिंग सेम डे होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, वो अब जमाना गया, अब आप मत पूछिए कि टाइपिंग सेम डे होगी कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जिसको टाइपिंग नहीं आती, जिसको टाइपिंग जीरो है जिसकी टाइपिंग, तो आप समझ लीजिए आप बहुत पीछे हो चुके हैं, और 99% चांस है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जिसको टाइपिंग नहीं आती, ठीक है? याद रखिएगा। और जिसको टाइपिंग आती है, जिसकी 20-25 तक की स्पीड है, 30 तक की स्पीड है, आपके पास फुल चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, मेहनत करते रहिए। और जिसकी 40-45-50 स्पीड आ गई है, तो आपके पास तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छे चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी है, और आप लोग बस लगे रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4 से 5 दिन बाद, 13 जून के बाद मैं आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट दे पाऊँगा। एक बात बस निकल के ये सामने आई है कि शायद आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी जल्द ही आएगी। अब ये डाउट है कि ये लोग आर ओ आर ओ के साथ निकालते हैं या फिर 1 महीने का गैप देते हैं, लेकिन आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी जल्द आएगी। और इतना मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कि 3000 के आसपास का सेंक्शन मिला था, और अभी तक के अनुसार 3500 के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है। उम्मीद है, मतलब सुनने में आया है कि 3500
के आसपास आपकी वैकेंसी ग्रुप सी ग्रुप डी की आएगी, जिसमें से ग्रुप सी की 2000 के आसपास वैकेंसी है और उसमें से स्टेनो की वैकेंसी 410 के अराउंड है, 410 400 के अराउंड है, ठीक है। तो जो आपकी 3500 वैकेंसी आएगी उसमें से 2000 के आसपास आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें से 400 के अराउंड आपकी स्टेनो की वैकेंसी है। अब हिंदी स्टेनो की कितनी, इंग्लिश स्टेनो की कितनी है ये मैं नहीं बता सकता, ठीक है। क्या सत्यता है इस बात में, ये भी जब तक 4-5 दिन बाद मुझे क्लैरिफाई नहीं होगा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, जो वहाँ से सुनने में आए वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी भी हो सकता है कि आर ओ आर ओ के साथ ही ये लोग निकालें, या फिर एक आध महीने का गैप रहेगा, मतलब जल्दी ही आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी भी आएगी, और 2000 ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी और 1500 के आसपास आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, जिसमें से स्टेनो की वैकेंसी आपकी 400 के अराउंड होगी। अब देखिए एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, मुझे 1-2 महीने पहले पता चला था कि स्टेनो की वैकेंसी हो सकता है बहुत ज़्यादा आए, और हो सकता है स्टेनो का ग्रेड पे, क्योंकि आपको पता है 2800 ग्रेड पे है स्टेनो का, हो सकता है कि 4200 वाला ये लोग निकाल दे स्टेनो का, ठीक है। लेकिन ये बात जिससे मुझे पता चली थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि 6000 स्टेनो की वैकेंसी आएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, मतलब 6000 स्टेनो की वैकेंसी निकाल देंगे तो बचेगा क्या फिर, अगर इतना ही ज़्यादा सरकार के पास पैसा था तो अभी तक इतना लेट क्यों किया, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं, हाँ, लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि 400 स्टेनो की वैकेंसी इसके अराउंड आ सकती है, और 2000 के आसपास आपकी ग्रुप डी की, सॉरी ग्रुप सी की आ सकती है, 1500 के आसपास आपकी ग्रुप डी की आ सकती है। और एक बात सुनने में और आ रही है कि हो सकता है कि आर ओ आर ओ के साथ ये लोग केवल स्टेनो की ही वैकेंसी निकालें और बाद में ग्रुप सी ग्रुप डी की जो एक्स्ट्रा वैकेंसी है उसको निकालें, वो बात की बात है, मैं आपको 4-5 दिन बाद ही बता पाऊंगा कि एक्चुअल में क्या होगा, साथ में वैकेंसी आएगी या अलग अलग वैकेंसी आएगी। बस इतना मैं बता दे रहा हूँ कि आपके ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी भी जल्द ही आएगी, और उम्मीद है कि पहले आपकी आर ओ आर ओ की वैकेंसी आएगी, ठीक है। बाकी क्लैरिफाई मैं आपको 4-5 दिन बाद, 13 जून के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि अभी सीटिंग बहुत कम है, सीटिंग बहुत कम बैठ रही है, केवल 16-17 बेंचेज ही हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस की सुनवाई हो रही है जो अति आवश्यक केसेस हैं, इसलिए अभी वहाँ से इंफॉर्मेशन मुझे मिल नहीं पा रही है। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको पहले ही मैंने 25 दिन पहले बताया था कि जून लास्ट, समर वेकेशन के बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा तो जून लास्ट, अदरवाइज जुलाई में आपकी वैकेंसी आएगी। उसी को बहुत बाकी सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको उसी को रोज़ रोज़ रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको ये लास्ट अपडेट दी थी, इसके बाद से कोई लेटेस्ट अपडेट निकल के नहीं आई है, बस बस ये अपडेट निकल के आई है कि ग्रुप सी की वैकेंसी भी जल्द आएगी, हो सकता है साथ में ही निकाल दें, और अत्यंत आवश्यकता है आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की, ठीक है। मैंने आपको इतना बताया था, और मैंने मैंने ये भी आपको बता दिया कितनी वैकेंसी आ सकती है। एक बात आपको और बता रहा हूँ, कुछ यूट्यूब चैनल में मैंने ये भी देखे थे कि 500 वैकेंसी आ रही है आर ओ आर ओ की, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जब 500 वैकेंसी आर ओ आर ओ की कैसे आ जाएगी, जब सैंक्शन ही आप जब सैंक्शन ही 350 वैकेंसी का है ए आर ओ का और 50 वैकेंसी का है आर ओ का, तो कैसे 500 वैकेंसी आ जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो सबसे गंदी आदत आप लोगों में ये है कि आप लोग कोई भी वीडियो आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित तो आप लोग जाके उसको देखना शुरू कर देते हो, ठीक है, परेशान हो जाते हो, अगर कुछ उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो परेशान हो जाते हो। जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी, तो आप लोग परेशान होना शुरू हो जाते हो, आप लोग पर्सनली कमेंट करना शुरू कर देते हो। देखिए जो स्टूडेंट इस वक्त सीरियस है, जो पढ़ने वाला छात्र है, उसको किसी से मतलब नहीं है, एग्जाम 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, उसको किसी से मतलब नहीं, वो अपना पढ़ाई कर रहा है। आपको एक बात और बता रहा हूँ, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया गया था कि आपको पता भी है कि यूपीपीएससी आर ओ आर ओ का जो एग्ज़ाम है ये भी अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में हो सकता है हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त में ही हो, वो तो बात की बात है कि अगस्त में होगा कि दिसंबर में होगा, लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप लोग अपना तैयार रखिए एग्ज़ाम चाहे जब हो, ठीक है। तो आप लोग इधर तैयारी करते रहेंगे यूपीपीएससी आर ओ आर ओ की, इधर आपका ऑटोमेटिकली इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ की तैयारी होती रहेगी, बस आपको इंग्लिश अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जिसको टाइपिंग नहीं आती तो आप लोग बहुत पीछे हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग स्पीड बनाने में, एक्यूरेसी बनाने में ही आपको 4 से 5 महीने का समय लगेगा, जब आप 2-2 घंटे डेली टाइपिंग करोगे तब। जिसको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, और जिसको आती है, जो छोड़ा हुआ है, तो उसकी तो टेंशन छोड़ दीजिए, वो अपना 1-2 महीने में बना लेगा, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आती, जो जीरो है, तो आप लोग बहुत पीछे हो चुके हैं, ये रियलिटी है। आपको मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि टाइपिंग करिए, टाइपिंग करिए, टाइपिंग करिए। आपको मैंने सोनी का सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैंने आपको सोमना का सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं तो आप लोगों के लिए लगातार मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, टाइपिंग सॉफ्टवेयर।
और मैंने उत्कर्ष भी आपको प्रोवाइड किए हैं, करंट अफेयर, डेली वर्ड पावर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो लगातार आपको मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी ड्यूटी करिए, सब कुछ भूल कर सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए, वैकेंसी तो आनी ही है, और 3-4 दिन बाद मैं आपको थोड़ा बता पाऊँगा, कोई भी गेसिंग वर्क मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। आपको सभी बुक्स ऑलरेडी बताई गई कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी हैं, आपको सारी स्ट्रेटजी सारी प्लानिंग बताई गई है, तो आप लोग उसको फॉलो करिए और इस बार पूरी जान लगा दीजिए इस बार आपको नौकरी लेने की। क्योंकि देखिए, यदि आपसे इस बार मौका छूट गया तो फिर 2-3 साल 4 साल आप भूल जाइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पूरी जान लगाइए और जो आपको मौका मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसका इसका फ़ायदा उठाइए, आपकी वैकेंसी 100% आएगी। एग्जैक्ट डेट मैं आपको 4-5 दिन बाद ही बता पाऊंगा, अभी मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है, और जो भी वीडियोस यूट्यूब में आप देख रहे हैं सब फर्जी हैं, सब गेसिंग वर्क कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बस लेटेस्ट अपडेट निकल के यही आई है अभी कि हो सकता है आर ओ आर ओ के साथ ये लोग ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी निकालें, और उसमें भी कितनी वैकेंसी आएगी ये मैंने आपको बता दिया है, और या फिर हो सकता है कि 1-2 महीने का गैप ये लोग कर दें, ठीक है। पहले आर ओ आर ओ की वैकेंसी निकाल दें, फिर ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाल दें, ठीक है। एग्जैक्ट आपको बाद में ही पता चल पाएगा जब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपके बिना कहे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, कोई ये मेरे घर की दुकान नहीं है कि बस तुरंत फ़ोन करो पता चल जाएगा, ये आप भी जानते हैं, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप हाईकोर्ट के एम्प्लॉय हो जाओगे तब आपको पता चल पाएगा अच्छे से कि कितना कितना मुश्किल होता है इन्फॉर्मेशन निकालना, अपडेट निकालना, ठीक है। आपको मैंने बहुत आसान बना दिया है दे देकर अपडेट, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब कुछ भूल के आपको पढ़ाई करनी, सब कुछ भूल के, और नेगेटिविटी से आप दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी छात्र नेगेटिव हैं, जो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, देखिए फ्रस्ट्रेट आप फ्रस्ट्रेट होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट को गाली दे सकते हो, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, हमको गाली दे सकते हो, गलौज कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी कटने वाली नहीं है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। अल्टीमेटली सबसे बिटर ट्रूथ यही है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन है, ठीक है। अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती तो आप 2-3 साल पहले ही नौकरी पा चुके होते, तो ये आपको पता है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, जो कुछ भी करना है आपको अपनी मेहनत से, खुद की मेहनत से करना है, ठीक है। तो आप मेहनत कब करोगे, अपनी कमियों को कब दूर करोगे, यही जो आपके पास समय है इसको दूर करोगे, ठीक है। बाकी हमको गाली गलौज करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, जैसे बहुत सारे जो छात्र हैं उल्टी सीधी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मेरा क्या बिगड़ जाएगा यार, क्या बिगड़ जाएगा, मैं 4-5 महीने बाद तुमसे खुद पूछूंगा कि बहुत ज़्यादा आपको जल्दी थी वैकेंसी की, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, UPSC आर ओ आर ओ की तो तैयारी कर ही रहे हो ना, तो साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिटर्न की तैयारी तो हो ही रही है, बस इंग्लिश भी पढ़ते रहो साथ में और टाइपिंग भी करते रहो, बाकी वैकेंसी आपकी आएगी, 100% आएगी, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। यदि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि अपडेट नहीं मिल रही है, आपके बिना कहे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और अभी 20-22 दिन पहले जो मैंने आपको बताया था वही अपडेट है। हाँ, इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप सी की वैकेंसी भी जल्द ही आएगी, ठीक है। कितनी आएगी ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया कि APS की 64 वैकेंसी आएगी, 350 के अराउंड, 355 के अराउंड आपकी ARO की वैकेंसी आएगी, और RO की वैकेंसी आपकी 50 के अराउंड आएगी, ठीक है। और ग्रुप सी की वैकेंसी मैंने बता दिया, ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी 3500 के आसपास अराउंड आएगी, जिसमें से 2000 आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी होगी, 1500 आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी होगी, ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ठीक है, फिगर, और जिसमें से आपकी 400 के अराउंड आपकी स्टेनो की वैकेंसी होगी, ठीक है। तो इतनी मैंने आपको बता दिया है, आपको रिलीफ मैंने दे दिया है, कोई भी मैंने उल्टी सीधी मैंने आपको इसमें र्यूमर क्रिएट नहीं किया है, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो जेन्यून ही दी है, इसलिए मैं वीडियो इतना जल्दी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अपडेट मिलती है मैं आपको वीडियो देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अब फालतू परेशान ना हो, अलग अलग चैनल्स में आप लोग परेशान ना हो, जितना ज़्यादा आप अलग अलग चैनल्स को देखोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग पैनिक होगा, उतना ज़्यादा आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप नेगेटिविटी में घिर जाओगे। तो बेटर है कि आप लोग पूरे जोश के साथ पढ़ाई करें, नेगेटिविटी को भूलिए और सिलेक्शन लीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपको मैंने सभी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं, सभी जितनी भी किताबें हैं PDF है मैंने आपको सब प्रोवाइड किया है, इंग्लिश को लेकर, कंप्यूटर को लेकर, सब सारे मटेरियल्स सब आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया है, इंक्लूडिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड किया है। तो आप लोग उसका लाभ उठाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली गरीब छात्रों के साथ। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और यूट्यूब तो आप जानते ही हैं,
आप यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं ट्रिक्स वाला भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो आपको समय दिया जा रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और गाली गलौज करने से कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है निगेटिव छात्र हर जगह होते हैं, ठीक है। पास पास 400 लोग ही होंगे, और उन 400 लोगों में आपको होना है, बस आप इतना टारगेट रखिए, ठीक है। डर के आगे जीत है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होकर पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको 4-5 दिन बाद अगला वीडियो प्रोवाइड करूंगा इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित, जैसे कोई अपडेट मिलेगी तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।